नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग सेटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी बैंक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं। क्या अभी भी 27,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और 26,000 का 500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है? क्या ऐसी ही सिचुएशन बन रही है निफ्टी बैंक में? और जल्दी से चलते हैं ऑप्शन डाटा पर और देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ NSE की वेबसाइट पे, जहाँ पे बैंक निफ्टी के डाटा को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के लिए है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्लोजिंग की बात करूँ तो 26,684 पे क्लोजिंग है और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से बैंक निफ्टी का डाटा बन रहा है। तो सबसे पहले 26,600 की बात करते हैं, तो 26,600 पे यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे करीब करीब 26,600 की पुट पे 1,83,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। वहीं अगर मैं 26,600 की कॉल की बात करूँ तो कॉल पे कितना है? सिर्फ 72,000 का। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कि 26,600 की जो पुट है वहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटर, यानी यहाँ पे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा एक सपोर्ट दिख रहा है। वहीं अगर मैं 26,500 की बात करूँ तो 26,500 पे क्या हो रहा है कि 26,500 पे आपको दिख रहा है 4,95,000 का यहाँ पे इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो यानी 26,500 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 26,500 की कॉल में कोई राइटर्स नहीं है। इसका मतलब क्या है? कॉल राइटर यहाँ पे राइट करना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा बैंक निफ्टी। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, 27,000 का लेवल आपके लिए जो कल भी एक इंपॉर्टेंट था और आज भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 7,61,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपको 27,000 के नियरेस्ट आपको जितना बैंक निफ्टी मिलता है वहाँ से अगर आप शॉर्ट कॉल लेके काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू 26,700 26,800 के बीच में अगर आप काम करते हैं। वहीं अगर मैं 26,800 की बात करूँ तो 26,800 पे क्या हो रहा है, पुट में करीब 2,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और कॉल में कितना है? ऑलमोस्ट 3,80,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 26,800 भी एक आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी 26,800 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकना थोड़ा सा मुश्किल काम है। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो यही है कि नीचे 26,600, ऊपर 26,800 850 की ये रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। इसी में बैंक निफ्टी हो सकता है ये 2 दिन ऐसे ही काट दे और उसके बाद जो एक्सपायरी आए वो शायद 26,700 के नियरेस्ट आए। तो यही ऐसा डाटा बन रहा है। बाकी एक बार डाउ जोन्स देख लेते हैं कि डाउ जोन्स कहाँ ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से देखिए डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है मार्केट आपको कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दे या फिर ब्रेक डाउन होता हुआ दिखाई दे। ऊपर के जाने के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर ज़्यादा हैं। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।